हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटल स्टैटिस्टिक्स। क्या आप कोई जॉब करते हैं और जॉब के साथ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब जॉब के साथ कोई स्टडी करना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और ऐसे केस में आपको परेशानी हो रही है कि जॉब के साथ आप कैसे स्टडीज को मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या फिर अपनी स्टडीज को मेंटेन रखने के लिए जॉब क्यों ना छोड़ दी जाए। अगर ऐसा कोई डायलेमा आपके मूड में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जॉब के साथ आप अपनी स्टडी को मेंटेन रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए लाल बटन को दबाकर, और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम जॉब कर रहे होते हैं और जॉब के साथ किसी भी तरह की स्टडी को साथ में चला रहे होते हैं या फिर किसी दूसरे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टडीज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर साथ में जॉब है तो दिन भर का जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, जिसमें बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वो टाइम देते हैं आप जॉब को। तो ऐसे केस में जब जॉब को आपने पूरा टाइम दे दिया तो आपके पास जो समय बचता है वो काफी मुश्किलों भरा होता है, और उस समय कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ऐसे ही समय के अंदर आप अगर कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाएं तो ऐसे केस में आप इन समय में भी, यानी कि जॉब के साथ भी, स्टडीज को कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आज मैं आपको ये टिप्स देने वाला हूँ। आज मैं बात करूंगा टोटली उन कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स की और कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स की। डायरेक्ट फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे आपकी स्टडीज को, और इनडायरेक्ट फैक्टर वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपकी स्टडीज को अलॉन्ग विद जॉब। हम सपोर्ट करेंगे कि आप जॉब के साथ आप अपनी स्टडी को मेंटेन रख सकते हैं। कैसे रखेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट है क्रिएट अ प्लान, यानी कि सबसे पहले आपको एक प्लान क्रिएट करना है। प्लान क्रिएट करने का मतलब है कि जब आप सुबह उठे, आप जॉब के लिए गए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन का आपका एजेंडा क्या है, या फिर आज आप पूरे दिन पढ़ना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर किसी कोर्स को कंप्लीट करना है, चाहे वो आपकी स्टडीज हो चाहे फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, कुछ समय के बाद अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर बुक को कंप्लीट करना है, तो जैसे मान लीजिए कि 4 महीने बाद आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो कोर्स आपको 4 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पूरे कोर्स को 4 महीने में डिवाइड करना है, उसके बाद अपने समय के अनुसार आप उसका मंथली प्लान बनाइए, फिर मंथली से वीकली प्लान बनाइए, और फिर वीकली से डे वाइज प्लान बनाइए। आपको एक दिन का समय लगेगा, एक दिन के अंदर आप ये सारी चीजें डिसाइड कर पाएंगे और आप ये देख पाएंगे कि आपको हर रोज लगभग कितनी स्टडीज करनी है। तो जिससे अगर किसी दिन कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी दिन ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उसको किसी अगले दिन से आप कंपनसेट कर सकते हैं, अगर किसी वजह से उस दिन ठीक से पढ़ नहीं पाए तो। तो ऐसे केस में प्लान की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास एक परफेक्ट प्लान है तो आपको पता है कि दिन भर में कभी ना कभी कोई ना कोई समय निकाल के कम से कम आपको इतना पोर्शन है तो एक दिन में कंप्लीट कर ही लेना है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयर। जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पर आपको अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। कई बार क्या होता है कि आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपके ऑफिस में ये बात पता चल जाती है तो, और आप थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर करने लग जाते हैं, और जब इग्नोरेंट बिहेवियर ऑफिस में होने लग जाता है तो आपके साथ सही बिहेवियर नहीं होता। लोग आपको एक्स्ट्रा बर्डन देने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में जरूरी है कि आप अपना अच्छा काम वहां पे दिखाएं, जिससे इंप्लॉयर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़े, और साथ ही साथ वो आपको प्रिविलेज देगी, हाँ आप पढ़िए, आप ये काम कीजिए, आप पढ़िए, आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। आपको एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है जिससे बॉस की नजरों में आप अच्छे रहें और वो आपको प्रिविलेज दे आपके अनुसार, जब भी आपको जरूरत हो किसी भी चीज की। किसी दिन आपको छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी मिल जाए, किसी दिन आपको पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय चाहिए तो वो आपको मिल जाए, या फिर आपसे रिलेटेड किसी कोर्स में आपको भेज दिया जाए। इस तरीके से अगर आप अच्छा रिलेशन रखते हैं तो आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। वहीं इसके उल्टा अगर आप इग्नोरेंट बिहेवियर रखते हैं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अंदर वो आपको मेंटल प्रेशर दे सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं, जिससे आप अपने घर के अंदर भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो माइंड का थका होना बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है पढ़ाई के लिए, तो ऐसे केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है यूज योर अनप्रोडक्टिव टाइम, यानी कि आपको स्मार्टली यूज करना है अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को। अब यहाँ पे अनप्रोडक्टिव टाइम क्या होता है,
अगर वैसे तो देखा जाए तो सभी टाइम प्रोडक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और जॉब आपकी 8 घंटे की है मान लीजिए, तो ऐसे केस में आपकी 8 आवर्स तो चलेगा, 8 आवर्स के अंदर आप सुबह ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं, तो ऐसे केस में जो आप घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से जो घर आते हैं, एक तरीके से ये आपका अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया। अगर आप गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं तो ऐसे केस में तो आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो ऐसे केस में आप सिंपली बैठे बैठे अपना टाइम गुजार देते हैं। तो यहाँ पर बनता है कि ऐसे टाइम को आप यूटिलाइज करें। आप अपने साथ कोई बुक कैरी कर सकते हैं जिसको आप ऐसे आते जाते समय आप आराम से पढ़ सकते हैं, और पढ़ के उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपको घर आने के बाद कुछ समय आप रेस्ट भी कर सकते हैं और काफी सारा दूसरा काम भी कर सकते हैं और अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप अनप्रोडक्टिव टाइम को यूज करना सीखें। ऑफिस के अंदर अगर कभी आपको कोई खाली टाइम मिलता है, लंच का टाइम होता है, या फिर कभी कोई लेजर टाइम होता है, तो ऐसे केस में आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिए और उस टाइम अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि ऑफिस टाइम में लगभग आपका माइंड एक्टिव रहता है। तो अगर आप उस टाइम कोशिश करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा उस समय सीख पाएंगे। अगला पॉइंट है लुक आफ्टर योरसेल्फ, आप अपना ख्याल रखें। यहाँ पे मेन फैक्टर है स्ट्रेस रिलीवर, क्योंकि दो तीन तीन चीजें जब एक साथ चलती हैं तो माइंड में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो जरूरी है कि आप किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से ऐसे सिचुएशन से अपने आप को निकाल पा रहे हैं। अगर आपके माइंड में कहीं पे भी स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं मैं इसके साथ तो नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ना ही आप ऑफिस में ठीक तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं और ना ही घर पे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। इवन पारिवारिक संबंध भी थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है, स्ट्रेस को रिलीव करना है। आप अपना घूमिए, खेलिए, कूदिए, आप समझिए कि किस तरीके से आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं और पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है यूज एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो समय है तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजिकल एज है। तो ऐसे केस में आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना अनप्रोडक्टिव टाइम यूज कर सकते हैं। अनप्रोडक्टिव टाइम यूज करने का क्या मतलब है, वह समय जो आप नॉर्मल ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं वहां पर आपको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किताब कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किताब कैरी करना ठीक नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर PDFs कैरी कर सकते हैं। मोबाइल पे इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस है, आप कान में लीड लगा के ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके ही टॉपिक की जिस जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे केस में ये आते समय जाते समय जो आप नॉर्मली टाइम वेस्ट कर देते हैं या फिर गाने सुनने में टाइम व्यतीत कर देते हैं, तो ऐसे समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर मोबाइल के अंदर या फिर टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर आप चीजों को पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फाइंड योर कम्फर्ट जोन, आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है। यहाँ पर कंफर्ट जोन का मतलब है कि पूरे दिन के अंदर कौन सा परफेक्ट टाइम है, कौन सा परफेक्ट तरीका है, या फिर आपका कौन सा परफेक्ट प्लेस है, यानी कि आपका दिन भर में किस समय आपको लगता है कि हाँ आप बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, कौन सी जगह पे आप सही पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। आपको जानना है कि भाई दिन भर में किस समय मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और वो समय अनुकूल भी है मेरे लिए पढ़ने के लिए। तो ऐसे समय को आपको आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो ऑफिस आवर्स हो यानी कि जाने का वक्त हो, या फिर रात का वक्त हो, या फिर आने का वक्त हो, या बीच में लंच का वक्त हो, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस टाइम पे आप अगर पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है और ये आपका कंफर्ट जोन है। तो इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने जॉब के साथ स्टडीज को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स की, जैसे गेट प्रॉपर स्लीप, आप रात को एक अच्छी नींद लीजिए। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो पूरे दिन भर आपको परेशानी नहीं होती, बार बार नींद नहीं आती, सिर नहीं चकराता। तो ऐसे केस में आप सभी कामों के अंदर अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और सारा काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगला है टर्न ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं आप उनको अपनी लाइफ से हटा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको घर पे आने के बाद कोई पर्टिकुलर टीवी सीरियल बहुत पसंद है, आपको लगता है कि नहीं 8:30 बजे तो मुझे रोज ये सीरियल देखना ही देखना है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई क्रिकेट मैच देखना है, या कोई न्यूज देखनी, जो भी कुछ आपका फेवरेट है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो समय है यानी कि 3-4 महीने का जो समय है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको ये समय निकालना ही पड़ेगा। टीवी पे न्यूज तो आज भी आएगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, लेकिन ये समय वापस दोबारा घूम के नहीं आने वाला। आपको इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखनी है और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, टीवी है, मोबाइल है, कुछ भी है,
उस चीज को आपको अपनी लाइफ से हटा देना है कुछ समय के लिए और उस समय पूरा का पूरा फोकस करना है अपनी स्टडीज पे। तो ऐसे केस में जॉब के साथ आप बहुत आसानी से आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है ईट प्रॉपरली। अच्छा खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम इंटेलेक्चुअल काम करते हैं उस समय हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर आप सही खाना खाते हैं और एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से ना ही पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और अपने टाइम का भी सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन सभी पॉइंट्स को आप अपने जीवन में उतार के देखिए एक बार। मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने जॉब के साथ आप अपनी स्टडीज को मेंटेन कर पाएंगे और ना ही केवल मेंटेन कर पाएंगे और जो भी आपको गोल है या फिर जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। आशा आपको वीडियो ये पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।